नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, हम प्लम्बर भाई प्लम्बिंग के काम में सभी प्रकार के पाइप और फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उनमें से यह एक SWR की जो है पाइप और फिटिंग आती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में यहाँ पर दो 45 डिग्री SWR का शू बैंड लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों, यह जो है 160 mm का जो है 45 डिग्री शू बैंड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 200 mm का 45 डिग्री शू बैंड है। दोस्तों, जो 200 mm का शू बैंड है और जो 160 mm का शू बैंड है, दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों, वह डिफरेंस यह है, जैसे कि यह 160 mm का 45 डिग्री शू बैंड है, यह आप देख सकते हैं यह बिल्कुल वन पीस में बना हुआ है। इसमें आपको कहीं पर भी ज्वाइंटिंग किया हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर जो है यह 200 mm का जो 45 डिग्री शू बैंड है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ज्वाइंटिंग किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यह आपको दिखाई दे रहा होगा 200 mm का जो है इसमें पाइप इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको कटिंग करके 45 डिग्री का इसको शेप में डिजाइन करके इसके ऊपर से दोस्तों इसको ग्लू से चिपकाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से इसके ऊपर जो है ग्लू से इसको चिपका कर और इसे इन्होंने 45 डिग्री के रूप में तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यह जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि दोनों जो है 45 डिग्री शू बैंड है और दोनों ही एक ही कंपनी के 45 डिग्री शू बैंड है, जिसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि यह 160 mm का जो 45 डिग्री बैंड है, यह आपको वन पीस दिखाई दे रहा है और वहीं पर यह 200 mm का जो 45 डिग्री शू बैंड है, यह आपको ज्वाइंट किया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको अंदर से भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इसको ज्वाइंट किया हुआ है, कटिंग करके 45 डिग्री का रूप दिया हुआ है। तो मुझे बस कंपनी से यही रिक्वेस्ट करना है कि आप जो 200 mm का 45 डिग्री शू बैंड है, जिस तरह से आप 160 mm का 45 डिग्री शू बैंड वन पीस में बना रहे हैं, उसी तरह से आप इस 200 mm 45 डिग्री शू बैंड को भी वन पीस में तैयार करें। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो है कंपनी तक यह वीडियो पहुंचे और कंपनी जो है इस 200 mm 45 डिग्री शू बैंड को भी वन पीस में तैयार करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यह वीडियो कंपनी तक पहुंच जाए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे प्लम्बिंग के मैं नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।